कैंट थाने की पुलिस ने जालसाजी के अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आलोक रंजन पांडे पुत्र लाल साहब निवासी ग्राम लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सदानंद पांडे पुत्र शिवपूजन पांडे निवासी ग्राम कोनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2014 में थाना क्षेत्र कैंट में वर्धमान समर्ग बैंक नाम से फर्जी कंपनी खोलकर लोगों को प्रलोभन देकर पैसा जमा कराया गया था एवं पुनः कंपनी बंद कर फरार हो गया। इसी कारण उपभोक्ताओं द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें पूर्व में 8 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं तथा 2 अभियुक्त फरार थे जिनकी तलाश की जा रही थी, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अमित चौधरी, कांस्टेबल विजय शुक्ला, दीपक निषाद, विकास यादव, विनय सिंह, अखिलेश कुमार शामिल रहे। दे लीजिए, मैं भी एक मजरी हूँ। ये तुम्हारा सामान नहीं है, ये पुलिस का है। ये बिना पूछे ये सब लिस्ट।